मैं हूं अंजना ओम कश्यप। वक्त हल्ला बोल का है। आपके बंगले में 45 करोड़ का खर्चा होता है। आज हम इसी पर चर्चा करेंगे। दरअसल बीजेपी का आरोप है कि केजरीवाल ने अपने बंगले की साथ सज्जा के लिए 45 करोड़ खर्च किए। 8 लाख का एक पर्दा लगवाया, कुल 23 पर्दे लगवाए। बंगले के लिए वियतनाम से मार्बल मंगवाया गया। हम आपको बताएं केजरीवाल के बंगले पर खर्च कहां कहां पर हुआ है, कितने दाम में क्या कुछ खरीदा गया है। अपनी रिपोर्ट हम आपको दिखाएंगे जिसमें आप समझ पाएंगे कि इसको लेकर इतना हंगामा बीजेपी क्यों कर रही है। बाथरूम फिटिंग से लेकर किचन पैंट्री कहां पर कितना खर्च हुआ, इन सब का लेखा जोखा इस रिपोर्ट में आपको मिलेगा। अब हम आपको अपनी ये रिपोर्ट दिखाते हैं क्योंकि दोनों ही पार्टियों में अब सियासी जंग छिड़ गई है। इधर से भी आरोपों की बरसात है, उधर से असल मुद्दों से भटकाने की बात कही जा रही है। ये रिपोर्ट देखिए, फिर चर्चा की शुरुआत करेंगे। साफ साफ दिखाई दे गया कि किस तरह से बीजेपी और कांग्रेस दोनों ने मिलकर देश को लूटा है। मैं अरविंद केजरीवाल, ईश्वर की शपथ लेता हूँ। इस देश से भ्रष्टाचार दूर करके रहेंगे। इंसान का इंसान से भाई क्या। भाईचारे की शपथ पर मरम्मत का खर्च हावी हो रहा। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के घर की मरम्मत हुई है और मरम्मत में खर्च हुए हैं 45 करोड़ रुपए। ये आरोप लगाते हुए बीजेपी ने चुन चुन कर हमला करना शुरू कर दिया और छिड़ गई है दिल्ली की सबसे बड़ी लड़ाई। भ्रष्टाचार का काम करने का काम तो मंत्री करते हैं। महाराज ने एक ही बार हस्ताक्षर किया था और उसमें क्या लिखा था? उसमें लिखा था, मैं शपथ लेता हूं मैं लाल बत्ती की गाड़ी नहीं लूंगा, मैं शपथ लेता हूं मैं बड़ा बंगला नहीं लूंगा, आम आदमी की तरह सामान्य घर में रहूंगा। एक मुख्यमंत्री के घर में तीन घटना हुई। 80 साल उनका पुराना घर था, पीडब्ल्यूडी विभाग ने उसको तोड़ के बनाया, 30 करोड़ की लागत में वो घर बना। उसके ऊपर कल से चर्चा किए जा रहे हैं, बीजेपी वाले चिल्ला रहे हैं, चीख रहे हैं, तो जरा अपने लाल साहब से भी तो पूछिए। 15 करोड़ रुपए तो उनके घर के मरम्मत में खर्च हुआ। केवल महल का रिनोवेशन नहीं हुआ, महाराज के मानसिकता का रिनोवेशन कि किस प्रकार से कुछ नहीं लूंगा जी से, सब कुछ लूट लूंगा, कुछ नहीं छोड़ूंगा, यह जो परिवर्तन हुआ है। मुख्यमंत्री के घर को चर्चा का विषय बनाना चाहती है भारतीय जनता पार्टी। मुख्यमंत्री के घर को विषय बनाकर असली मुद्दों से ध्यान भटकाना चाहती है भारतीय जनता पार्टी। भ्रष्टाचार के खिलाफ अन्ना आंदोलन की जमीन पर पैदा हुई आम आदमी पार्टी को बीजेपी गिन गिन कर अरविंद केजरीवाल के पुराने बयान सुना रही है जिसमें उन्होंने कभी सादगी की कसम खाई थी। मैं जहां भी जाऊंगा 4-5 कमरों से ज्यादा की मेरे को क्या जरूरत है भाई साहब, 4-5 कमरे ही चाहिए, हाथ पैर पसारने के लिए उतनी जगह चाहिए, और जगह की क्या जरूरत है। कोई भी लाल बत्ती अब दिल्ली सरकार की किसी की गाड़ी के ऊपर लाल बत्ती नहीं लगेगी, ना मुख्यमंत्री की गाड़ी के ऊपर लगेगी, ना मंत्रियों की गाड़ी के ऊपर लगेगी, मेरी बहुत छोटी सी औकात है। इन्हीं बयानों की बिसात पर खड़ी हुई पार्टी ने अपना नाम चुना आम आदमी पार्टी और अब उसके संस्थापक पर ही बीजेपी लगा रही है कट्टर रईसी का आरोप। और आम आदमी पार्टी पलट कर पूछ रही है कि सेंट्रल विस्टा से लेकर पीएम आवास पर इतना खर्च क्यों किया। सब कुछ सुपीरियर क्वालिटी, इंफीरियर नहीं होना चाहिए जी। ये इंफीरियर क्वालिटी तो आम आदमी की कहानी है, मैं तो महाराज हूं, सब कुछ सुपीरियर होना चाहिए। किचन के रिनोवेशन के लिए किस प्रकार करोड़ों के खर्च हो रहे हैं वह भी इसमें बयां किया गया है। प्रधानमंत्री जो हमारे शहंशाह आलम हिंदुस्तान के, फकीर गरीब चाय बेचने वाले 550 करोड़ रुपए के घर में रहते हैं, लाखों का सूट पहनते हैं, लाखों का पेन इस्तेमाल करते हैं, लाखों का चश्मा इस्तेमाल करते हैं, दिन में कई बार कपड़े बदलने का काम करते हैं, उनका जवाब कब दोगे?
बीजेपी का आरोप है कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के 6 फ्लैग स्टाफ रोड सिविल लाइन स्थित आवास में 2020 से लेकर 2022 के दौरान जब दिल्ली वाले कोरोना से जूझ रहे थे तब 45 करोड़ रुपए खर्च किए गए, जिसमें इंटीरियर डेकोरेशन पर 11 करोड़ 30 लाख रुपए खर्च किए गए, पत्थर और मार्बल पर लगभग 6 करोड़, सुपीरियर इंटीरियर कंसल्टेंसी पर 1 करोड़ रुपए, इलेक्ट्रिकल फिटिंग और गैजेट पर 2 करोड़ 58 लाख रुपए, फायर फाइटिंग सिस्टम पर 2 करोड़ 85 लाख रुपए, वार्डरोब एक्सेसरी की फिटिंग पर 1 करोड़ 41 लाख रुपए खर्च किए गए। वहीं किचन पैंट्री और किचन अप्लायंस पर 1 करोड़ 10 लाख रुपए खर्च हुए। 2024 की चुनावी महापरीक्षा के पहले बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच कई मोर्चों पर जंग चल रही है। बीजेपी आम आदमी पार्टी के ईमानदारी और सादगी के दावों पर चोट कर रही है, तो एक लड़ाई चुनावी मैदान पर भी है। आज तक ब्यूरो। और इस बीच अब खबर आ रही है, आपको बता दें, जिसके बाद मेहमानों से परिचय कराएंगे, केजरीवाल के सरकारी बंगले के एक्सटेंशन की तैयारी भी है, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के घर के एक्सटेंशन की तैयारी है। जानकारी आ रही है राजपुर रोड के 20 फ्लैट्स को तोड़कर बंगले का हिस्सा बनाया जाना, इसमें से 4 फ्लैट्स में तोड़फोड़ शुरू भी हो चुकी है। राजपुर रोड के 20 फ्लैट्स को मिलाने की तैयारी है, 4 फ्लैट्स को तोड़ा जा चुका है और ये पूरा का पूरा अरविंद केजरीवाल के बंगले में यह हिस्सा शामिल किया जाएगा। बीस फ्लैट्स, आप कल्पना कीजिए, अच्छे खासे बड़े 20 फ्लैट्स को तोड़ने के इस आरोप में कितना दम है, इस पर बातचीत करेंगे। राजपुर रोड पर जो 20 फ्लैट्स अरविंद केजरीवाल के मुख्यमंत्री साहब के घर के आसपास है, उन 20 फ्लैट्स को शामिल करने का प्लान, जिसमें 4 फ्लैट्स को तोड़ा जा चुका है और ये सब दिल्ली के मुख्यमंत्री के ही आवास का हिस्सा बन जाएगा। एक्सटेंशन प्लान है ये जो बताया जा रहा है। सुधांशु त्रिवेदी जी हमारे साथ प्रवक्ता और राज्यसभा सांसद भारतीय जनता पार्टी के जुड़ गए हैं, आलोक शर्मा जी प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के जुड़ गए हैं, संजीव कौशिक पॉलिटिकल एनालिस्ट के तौर पर आम आदमी पार्टी के सपोर्टर जुड़ रहे हैं और हमारे साथ पविंदर सेठी साहब भी पॉलिटिकल एनालिस्ट के तौर पर जुड़ रहे हैं। आप सुधांशु त्रिवेदी जी, सबसे पहले तो आपकी टिप्पणी, क्योंकि बीजेपी हमलावर है लेकिन वो सेंट्रल विस्टा से लेकर पीएम आवास पर खर्च हुए पैसे एक एक का जिक्र कर रहे हैं और पूछ रहे हैं कि आपने भी खर्च किया, हमने किया, तो क्यों इस तरह से आप लोग मुद्दा बना रहे हैं, आपका जवाब। नहीं, वैसे देखिए महत्वपूर्ण बात यह है कि वो हैं जो कहते थे 2 कमरे के फ्लैट में काम चला लेंगे, जो वैगन आर गाड़ी में चलते थे, सिक्योरिटी नहीं लेंगे। देखिए ये भारत की राजनीति में 2 प्रकार की पार्टियों का बड़ा जोर है। एक है सबसे पुरानी पार्टी जो पुरानी धुरानी होकर एकदम, जिसे एक कहावत होती है पुराने धुराने से भी ज्यादा फटा पुराना हो जाता है, जो बाहर फेंकने लायक हो जाता है उसी स्थिति में, और एक है सबसे नई नवेली पार्टी जो अजब अलबेली पार्टी है और नेतृत्व बदलती अपनी फितरत के चलते हुए एक अबूझ पहेली बन गई है। अब आप ये बताइए, इस पार्टी ने सबसे कम समय में सत्ता प्राप्त की थी, चंद हफ्तों में राज करने का मौका पाया था, पर राजयोग के साथ जो राज रोग आता है वो इतना संक्रामक होकर इतनी जल्दी पहुंच जाएगा ये उम्मीद से परे था। अंजना जी बधाई हो केजरीवाल जी को, अब ये उस लीग में शामिल हो गए जिसमें मायावती जी के बंगले की बात होती थी, दक्षिण भारत के कई नेताओं के बंगले की बात होती थी। याद करिए बिहार में पटना में एक बड़ा आलीशान बंगला था जिसके की बाद में कोई क्लेमेंट ही नहीं आया कि वो बंगला है किसका, जिसके बारे में शक था कि शायद लालू यादव जी के किसी व्यक्ति का ना हो। तो अब मैं कहूंगा कि नई राजनीति बदलने के लिए भारत की धराधाम पर अवतरित हुए ये महापुरुष, शायद अब वो नेता लोग इनसे ये कह रहे हैं जिनको ये भ्रष्टाचारी कहते थे कि रफ्ता रफ्ता वो मेरी हस्ती का साया हो गए, अब ये उन्हीं के रंग में पूरी तरीके से ढल गए। अब हम पूछना चाहते हैं, एक और बात होती, कभी कभी मजाक में कहा जाता था ना साहब हम तो वो हैं कि अगर हमारे कोई चिल्लर भी पा जाएगा तो करोड़पति हो जाएगा। जनाब 1 करोड़ रुपए के पर्दे लगाने वाले करोड़पति हो गए, टाइल्स लगाने वाले करोड़पति हो गए, इतना शानदार वीआईपी वैभव उस पार्टी के द्वारा जो कहती थी कि हम बिल्कुल वीआईपी कल्चर में विश्वास नहीं करते हैं। आज हम एक और बात कहें, जो कहते थे हमें सिक्योरिटी नहीं चाहिए, मैं कहता हूं वो गलत थे, सिक्योरिटी चाहिए। केजरीवाल जी के ऊपर ही फिजिकल अटैक हुए थे आज, मगर उनके पंजाब के मुख्यमंत्री 3 दर्जन गाड़ियों का लश्कर लेके चलते,
तीन दर्जन गाड़ियों का, कैप्टन साहब से भी ज्यादा और स्वर्गीय प्रकाश सिंह बादल से भी ज्यादा। इसलिए मैं कह रहा हूं कि इन्होंने जिस ढंग से फितरत चेंज की है, आज सवाल इसके ऊपर है। अगर आपने खर्चा किया कोई बात नहीं था, आपने इतने फ्लैट तुड़वाए, उसको नया रिनोवेशन किया। अब आप कहते हैं जी शीला दीक्षित जी के टाइम में वो बहुत पुराना था, तो अब मैं बहुत एक साफ बात पूछना चाहता हूं, आप शीला जी पे जब आरोप लगा रहे थे तो आप ये बताइए वो आपकी बचकाना हरकत थी क्योंकि आप नए थे आपको पता नहीं था, या वो शातिराना हरकत थी कि जनता को भरमाओ? संजीव कौशिक जी जवाब दीजिए, इसके बाद मैं आऊंगी, उसके बाद कहो कि जी हमें परिवर्तन। संजीव कौशिक जी जवाब दीजिए, इसके बाद मैं आ रही हूँ। हमने आम आदमी पार्टी को भी आमंत्रित किया था कि अपने प्रवक्ता को भेजे, लेकिन वो मुमकिन नहीं हो पाया। इसलिए संजीव जी आपसे मेरा प्रश्न है, नाम ही रखा आम आदमी पार्टी, सादगी की शपथ ली, ऐसे में आज ये सवाल पूछा जा रहा है कि राजयोग आने के साथ साथ राजरोग भी आ गया क्या, जो 45 करोड़ मरम्मत में खर्च हो गए और अब 20 फ्लैट्स को उस एक्सटेंशन प्लान में शामिल करने की खबर, जनता भी सुन के हैरान हो रही होगी। मिस्टर कौशिक, हाँ जी, आपको आवाज आ रही है मेरी? हाँ अब आ रही है, बोले सर, अब आ रही है, बोलिए जी। जी मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि निश्चित तौर पे एक दशक पुरानी पार्टी जिसको पूरे हिसाब में इतना प्यार दिया कि हिंदुस्तान के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ कि कोई एक प्रादेशिक पार्टी दो स्टेट में अपनी सरकार बनाती है और जाकर के वो राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा, देश के प्रधानमंत्री जिस क्षेत्र से आते हैं वहां से उसको राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिलता है। निश्चित तौर पर उस पार्टी के बारे में यदि इस तरह की खबरें आती है तो उस पर चर्चा होना स्वाभाविक है और चर्चा होगी, सवाल भी पूछे जाएंगे और उसके मुकम्मल जवाब भी मिलने चाहिए। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि क्या सवाल जो पूछे जा रहे हैं वो सवाल मोटिवेटेड है या सार्वजनिक तौर पर राजनीतिक से प्रेरित है या ऐसे ही लोगों के मन में ये बात आ रही है? जब राजनीतिक तौर पर प्रेरित होकर के इस तरह के सवाल पूछे जाते हैं तो क्या आम आदमी पार्टी भी अब इस प्रधानमंत्री से सवाल पूछेगी कि आपने कितने रिनोवेशन में खर्च किए, आपने कितने के जहाज खरीदे और कितने का घर बनाया? तो मुझे लगता है कि ये मूल मुद्दे से भटकने वाली और भटकाने वाली बात होगी। मूल मुद्दा यह है कि पिछले कुछ दिनों से जिस तरह से आम आदमी पार्टी हमलावर रही है देश के प्रधानमंत्री की नीतियों को लेकर के, वो उन घोटालों की तरफ लगातार वो मुखर रही है और घेरने का प्रयास किया, चाहे वो अडानी की बात हो या कोई और मसला हो, उन डिग्री की बात हो, इन सब चीजों से ध्यान भटकाने के लिए, या यूं कह लें कि अभी हाल फिलहाल में एक इंटरव्यू भी आया था एक राज्यपाल का, जिस तरह के प्रश्न उसमें खड़े किए गए थे, बहुत बड़ा प्रश्न था, शायद उस पर चर्चा होनी चाहिए थी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सबसे बड़ी खासियत यह है कि वो फील्डिंग तैयार करते हैं, पिच भी वही तैयार करते हैं और खेलने के लिए बाकी सारे लोगों को तैयार भी वही करा लेते हैं। जवाब दीजिए सुधांशु जी, मूल मुद्दे जवाब दीजिए, मूल मुद्दे, इसके बाद में आ रही हूं आलोक जी और सेठी साहब। देखिए ये मूल मुद्दों की बात कर रहे हैं, पहले तो इन्होंने कहा प्रधानमंत्री जिस क्षेत्र से आते हैं उस क्षेत्र से राष्ट्रीय पार्टी हो गई। मान्यवर राष्ट्रीय पार्टी चार क्षेत्रों से मिलकर होती है, किसी एक क्षेत्र से नहीं। और मूल मुद्दे आपके कितने मूलभूत थे ये तो उसी चुनाव के समय याद आया, जब आप कह रहे थे कि नोट के ऊपर गणेश और लक्ष्मी जी की फोटो होनी चाहिए तो उसके आधार पर अर्थव्यवस्था सुधर जाएगी। साफ समझ में आता था कि मूल मुद्दे किसके और क्या हैं। और खैर छोड़िए गुजरात चुनाव के समय क्या क्या बोला था, आज मूल मुद्दा यह है कि आप ये बताइए आप प्रधानमंत्री जी के आवास से क्या तुलना कर रहे हैं भाई? ये एक ऐसा राज्य जो पूर्ण राज्य नहीं है, सिटी स्टेट हाफ स्टेट, और प्रधानमंत्री आवास से क्या तुलना? वहां पर तो सिक्योरिटी की इतने व्यवस्थाएं होती हैं, एसपीजी कवर होता है, एयर स्ट्राइक के लिए भी व्यवस्था होती है, मिसाइल से भी अटैक हो तो उसकी भी व्यवस्था होती है। क्या आप बात कर रहे हैं? दुनिया के जो चार पांच सबसे सेंसिटिव राष्ट्राध्यक्ष उनमें से एक प्रधानमंत्री मोदी जी, उनके आवास की तुलना ये कर रहे हैं एक जो पूर्ण राज्य में नहीं था। मतलब हद होती है किसी भी प्रकार के बचकानेपन की या अपने बचाव में किसी भी सीमा तक जाने की। इसलिए हम कह रहे हैं आप सिर्फ ये बात बता दीजिए, जब आप तब बोल रहे थे तब आप गलत थे या आज गलत है? 10 साल के अंदर आप बता दीजिए, 10 साल के अंदर इतना बड़ा परिवर्तन किसी व्यक्ति ने किसी पार्टी के चरित्र में नहीं देखा होगा जितना आप में देखने को मिला। तो केजरीवाल जी तब गलत थे दो कमरे के फ्लैट से मैं मुख्यमंत्री चला लूंगा या आज गलत है? दो में से एक बात मान लीजिए, दोनों जगह सही तो नहीं हो सकते। किसी भी देश के अंदर दो कानून नहीं हो सकते। आप पहले तो ये देखिए कि उसकी एलिजिबिलिटी क्या है, जो किसी स्टेट का सीएम है, बाकी स्टेट के जो सीएम है उन्होंने कितना पैसा खर्चा,
जो सेंटर मंत्री हैं उन्होंने कितना पैसा खर्चा, ये तो सारा सरकारी आवास के ऊपर पैसा लगा। 1942 का मकान है, 80 साल पुराना मकान है, उसमें तीन घटनाएं घटती हैं जिसके अंदर तीन जगह पे छत गिर जाती है, एक में उनके माता पिता होते हैं, एक में वो खुद होते हैं, एक में जहां लोगों को मिलते हैं। उसके बाद जो ऑडिट होता है पीडब्ल्यूडी का, वो उसको पूरा रिपेयर करते हैं, उसको रिपेयर करते हैं, उसको रेनोवेट करते हैं अकॉर्डिंग टू द स्टेटस ऑफ सीएम, जो आमतौर पर किया जाता है। आप इस बात को देखें ना, प्रधानमंत्री का घर बन रहा है 545 करोड़, 30 करोड़ का खर्चा उन्होंने बताया संजय सिंह जी ने, और जो प्रधानमंत्री जी का 500 घर का आसपास के 20 लाख को एक्सटेंशन में शामिल करना, 500 करोड़ का घर बन रहा है, उसके अलावा उन्होंने कहा कि 90 करोड़ रुपए आपका दिल इसकी गवाही देता है, ये पीडब्ल्यूडी का आम लोगों का पैसा है ना ये तो। बिल्कुल बिल्कुल, ये कान में मैं यही कह रहा हूँ, ये दोनों दो तरह के कानून नहीं चलते। एक जगह आप 12 करोड़ की गाड़ी लेते हैं, 12 करोड़ की गाड़ियों का काफिला लेते हैं, आप 10 लाख का सूट पहनते हैं, आप 1.5 लाख का चश्मा पहनते हैं, आप 1.5 लाख का पेन यूज करते हैं, वो किसका पैसा है? वो भी देश की जनता का पैसा है। एक यूनिवर्सल कानून बनना चाहिए सबके लिए। और सबसे इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताता हूं, ये तो ऑन रिकॉर्ड है जिसके घर में भी खर्चा हुआ है, लेकिन जब कोई व्यक्ति एमएलए का चुनाव लड़ता है, एमपी का चुनाव लड़ता है या पार्षद का चुनाव लड़ता है, उससे पहले उसकी जो संपत्ति है वो डिक्लेयर की जाती है, उसकी इनकम डिक्लेयर की जाती है, लेकिन जब 5 साल वो रह जाता है उसके बाद भी तो उसको डिक्लेयर करना चाहिए कि पहले मेरा क्या स्टेटस था, आज मेरा क्या स्टेटस है। वो करप्शन का इश्यू है। आप जो है जो बेसिक मुद्दों से भटकाने का काम करते हैं, आप देखिए ना पुलवामा के अंदर इतने सैनिकों के साथ हुआ, जो आपके गवर्नर जो 4 जगह गवर्नर रहे हैं, आप उनको 5 एयरक्राफ्ट नहीं दे पाए, आप अपने लिए 500 करोड़ का घर बना रहे हैं, 90 करोड़ रेनोवेशन पे लगा रहे हैं। आप अडानी के ऊपर बात करिए, आप जेपीसी नहीं बनाते, आप कोरोना काल के अंदर ये गाड़ियां आती हैं, कोरोना काल के अंदर घर बनता, कोरोना काल के अंदर कृषि बिल लाते हैं, कोरोना काल के अंदर गुजरात के जो बंगाल के चुनाव में आप जाके कोरोना फैलाने का काम करते हैं। आपको आपको देश को जवाब देना पड़ेगा। सिर्फ चुनाव प्राथमिकता नहीं होनी चाहिए, जो आम आदमी जो गरीब आदमी है उनके मुद्दों को भी एड्रेस करना पड़ेगा भारत सरकार को। सुधांशु जी, इसके बाद फौरन आलोक जी आ रहे हैं। देखिए विषय से डाइवर्जन साफ दिख गया कि उनके पास इसका कोई जवाब नहीं था। मैं सिर्फ ये पूछना चाहता हूं, छत गिर रही थी तो वियतनाम से टाइल्स मंगाने की क्या जरूरत थी? हैंड वुवेन जो वो है कालीन, उसकी क्या आवश्यकता थी? 1 करोड़ रुपए के पर्दों की आवश्यकता, वो पर्दे छत को बचाने के लिए थे, मतलब 1 करोड़ के पर्दों में छत नहीं गिरेगी, और वियतनाम से टाइल्स इसलिए लाए गए कि छत गिरेगी तो उसके ऊपर प्रभाव नहीं पड़ेगा। मान्यवर, मैं पुनः कहूंगा परमिंदर जी, थोड़ी सी कॉमन सेंस से बात करनी चाहिए। आप प्रधानमंत्री जी की गाड़ी की बात करते हैं, वो गाड़ी क्यों होती है आपको पता है? सिर्फ वो बुलेट प्रूफ नहीं होती है, वो उस ढंग की गाड़ियां होती है अगर वहां पर बम विस्फोट भी हो जाए तो वो उसके अंदर बचे रह सके। बाहर कितना टेम्परेचर हो, आपने कभी सिक्योरिटी डील के बारे में पढ़ा ही नहीं। यही है, ये बिल्कुल सबसे पढ़े लिखे होने का दावा करने वाले ये लोग, अंजना जी, ये वो हैं आईआईटी के पास आउट ग्रेजुएट हैं जिन्होंने कोरोना काल के समय ये कहा था कि अगर वैक्सीन बनाने का फार्मूला सभी कंपनियों को दे दिया जाए तो फटाफट वैक्सीन मिल जाएगी। इतना बेवकूफाना बयान तो बेपढ़े लिखा कोई व्यक्ति नहीं देगा कि वैक्सीन का फार्मूला कोई चूरन का फार्मूला नहीं है कि कोई भी बना लिया जाए। और यह बात मैं इसलिए जिम्मेदारी से कह रहा हूं कि पैरासिटामोल जैसी बेसिक मेडिसिन अमेरिका ने हमसे आयात की थी, वो अपने यहां किसी कंपनी से बना सकता था। फार्मास्यूटिकल के लिए जो कंपनी के एक अलग व्यवस्था होती है, रॉ मटेरियल बनाने की एक प्रक्रिया होती है, उसका एक लाइसेंस होता, सब नहीं बना सकते। ऐसी बचकानी बात कहने वाले लोग आज कह रहे हैं प्रधानमंत्री जी की गाड़ी, अरे क्या तुलना कर रहे हैं भाई? हम तो आपके पास तो लॉ एंड ऑर्डर तक का चक्कर नहीं है, तो आपको तो कोई इंस्ट्रूमेंट लगाने की जरूरत ही नहीं थी किसी चीज के ऊपर कुछ करना हो, इसलिए हम सिर्फ कह रहे हैं। आप ये बता दीजिए, अच्छा वो अन्ना वाले केजरीवाल जी सही थे, कितना बदलेंगे? पहली बात, राजनीति में नहीं आऊंगा, दूसरा सारी संसद चोर है, शपथ खाता हूं बच्चों की कसम की कभी कांग्रेस से समर्थन नहीं लूंगा, वो मुझे चाहिए जन लोकपाल वो गायब हो गया, वो वैगनार गाड़ी भी गायब हो गई, मफलर भी गायब हो गया। जनाब उसके साथ साथ आपका जो ऊपर चढ़ा हुआ मुखौटा था वो भी गायब हो गया। ठीक है, अब आलोक जी से एक रिएक्शन लेके, आलोक जी से एक रिएक्शन लेके फिर आप लोग जवाब दीजिएगा। आलोक जी, आपको भी इसी तरह से खटक रहा है जितना बीजेपी को खटक रहा है? देखिए, बीजेपी कांग्रेस की बात नहीं है, ये पूरे देश को खटक रहा है कि जो लोग कहते थे कि हम आंदोलन से उपजी हुई पार्टी हैं, उन्होंने आंदोलन के ऊपर जिस तरह से धब्बा लगाया है,
शायद भविष्य में किसी भी आंदोलन के ऊपर देश की जनता विश्वास नहीं करेगी। वैगनार से शुरू हुए और वैगनार से चलकर किस तरह से 50-50 लाख की गाड़ियों में गए, किस तरह से, मुझे याद है अंजना जी आपके साथ मैंने एक शो किया था कि शीला जी के घर पर 21 एसी लगे हुए जिसमें वेटिंग हॉल के दो, वेटिंग हॉल, पर्सनल ऑफिस और तमाम चीजें थी। ये लोग एसी गिनकर लाए थे शीला जी के घर के कि इतने एसी लगे हुए हैं, कितना बिल आता होगा और उस बिल को कौन पे कर रहा है। आज हालत यह है कि 20-20 फ्लैट तोड़ के अपना मकान चाहिए इनको, लोगों से मिलते नहीं है। सेठी साहब अभी कह रहे थे कि लोगों से मिलते हैं, एमएलए तो मिल नहीं पाते, मोदी जी से भी बड़े तानाशाह हो गए हैं, कोई नहीं मिल सकता उनसे। क्यों? क्योंकि वो मिलते हैं उनसे जो केवल धन की बात करते हैं, जो दारू की बात करते हैं। और दुर्भाग्य, दिल्ली पहली स्टेट थी अंजना जी जिसने ये कहा कि हमारे पास तनख्वाह देने के लिए कोरोना में पैसे नहीं है, हमें सबसे पहले दारू की दुकानें खोलनी है। याद होगा राघव चड्ढा की वो प्रेस कॉन्फ्रेंस, हमें याद है। लेकिन उसी समय पर 45-45 करोड़ रुपया अपने मकान के डेकोरेशन पर खर्च हो रहा था। आज हालत यह है कि जो केजरीवाल जी खंभे पर चढ़कर बिजली के तार काट कर कहते थे लोगों का ये भला होगा वो भला होगा, दिल्ली में आज कितनी महंगी बिजली हुई कोई नहीं बता रहा है। जनता दरबार की बात करते थे, आज हालत यह है कि एमएलए को मिलने के लिए 2-2 महीने लग जाते हैं। और सेठी साहब, अगर मोदी साहब ने गलत किया तो उनके ऊपर भी सवाल खड़े किए गए, गाड़ियों के ऊपर भी, सेंट्रल विस्टा के ऊपर भी। हमने आज तक परंजना के साथ डिबेट की है, क्या अंजना जी हमने डिबेट्स नहीं किए? लेकिन अगर मोदी जी ने ऐसा किया है, वो देश के प्रधानमंत्री हैं, उनको जब क्लीन चिट नहीं मिल सकती है तो केजरीवाल जी को लाइसेंस किसने दे दिया? क्योंकि मोदी जी 12 करोड़ की गाड़ी में घूमते हैं तो केजरीवाल जी को 1 करोड़ की गाड़ी का तो अलाउड है, ये कहां से बात आ गई? आप केवल और केवल देश की जनता को गुमराह कर। मैं अंजना जी अभी कर्नाटका में बैठा हूं, कर्नाटका में भी इसी तरह के पर्चे मट रहे हैं, एफिडेविट मट रहे हैं, हम ये नहीं लेंगे, हम वो नहीं लेंगे। ये कट्टर भ्रष्टाचारी पार्टी है, कट्टर देशद्रोही पार्टी है, कट्टर पूरी तरह से ये गुमराह करने वाली पार्टी है, कट्टर ये लोग, बेईमान लोग। इनके सारे सारे मंत्रिमंडल जेल में चले गए, किसी की फर्जी डिग्री है, किसी का फर्जी सर्टिफिकेट है, लेकिन उससे ये मतलब नहीं है कि आप करोड़ों रुपए खर्च करेंगे और दिल्ली की जनता नहीं पूछेगी। आप बताइए कितने फ्लाईओवर बनाए आप, एक स्कूल की जमीन एक्वायर नहीं की आपने डीडीएस से। अगर एक स्कूल की जमीन डीडीएस एक्वायर करके आपने स्कूल बनाया हो तो स्कूल की जगह का नाम बताइए। कमरों के नाम पर घोटाला, बस घोटाला, 3300 करोड़ रुपए का तो बस का घोटाला है जो अभी सामने आना है, सीबीआई उसकी इंक्वायरी कर रही है। मतलब जहां जिस पत्थर को उठाओ वहीं घोटाला। और ये कहते हैं हम कट्टर ईमानदार आदमी, गजब है भाई आप लोगों का। पंजाब का बेड़ा गर्क कर दिया, पंजाब में लॉ एंड ऑर्डर को खत्म कर दिया आप लोगों ने, बैठकर एलिगेशन लगाते हैं। भारत में सरकार बीजेपी की है, अगर कोई घोटाला हुआ आप उसके ऊपर एक्शन लीजिए, आपको किसने रोका है? ऐसे बोलने से कुछ नहीं होता। आप मेरी बात सुनिए, गुजरात के सीएम जो है 191 करोड़ रुपए का प्लेन लेते हैं, मध्य प्रदेश के सीएम है 65 करोड़ का प्लेन लेते हैं। मैं कह रहा हूँ कि कानून दो नहीं हो सकते इस देश के अंदर। अगर एक मुख्यमंत्री है उसकी क्या एलिजिबिलिटी है, वो क्या करता है? एक या तो आप कानून बनाइए, आप सरकार में, मैं सुधांशु जी से कहूंगा आप कानून बनाइए कि आप इतने बड़े बड़े मकान, इतने बड़े बड़े कोठियां जो दे रहे हैं उसको आप उसके ऊपर कुछ लगाइए ना, ये आपके ऊपर भी बात लागू होती है। लेकिन आपको सिवाय 2024 के चुनाव की स्क्रिप्ट लिखने के अलावा और कोई काम नहीं है। आप कह रहे हमने ये किया, हमने कोरोना काल में किया, दैट इज योर जॉब। इसलिए देश की जनता ने आपको चुना है, आप काम करिए। लेकिन आप गरीब आदमी के बारे में बात करिए, महंगाई के बारे में बात करिए, रोजगार के बारे में बात करिए। आप जो किसानों के साथ एक साल कोरोना काल के अंदर आप कृषि बिल लेके आए, उसके ऊपर भी आपको आत्ममंथन करने की आवश्यकता है। अभी आज कल बादल साहब का निधन हुआ और उन्होंने जो हरियाणा के मुख्यमंत्री से लास्ट मीटिंग में उन्होंने ये बात कही कि आप किसानों के बारे में सोचिए। एक बात लेकिन सेठी साहब एक सवाल सुनिए, और ये सवाल बहुत गहरा है, थोड़ा इसको ध्यान से सुनिएगा। जो हमें जानकारी मिली है, इसे शीश महल कहा जा रहा है, बहुत शीशे और कांच का इस्तेमाल किया गया है अरविंद जी के इस घर को बनाने में। और एक कहावत है कि जो खुद शीशे के घरों में रहते हैं वो दूसरों पर पत्थर नहीं फेंक सकते हैं। तात्पर्य ये कि जब आप बीजेपी को कटघरे में खड़ा करना चाहते हैं तो आप ये लाइन नहीं ले सकते ना कि उनका भी ऐसा है तो हम भी वही कर रहे हैं। तब तो फिर सारे के सारे एक जैसे हो गए ना। ये लड़ाई नहीं होगी ना कि उसकी शर्ट ज्यादा काली है, इसकी कम है। देखिए बात ये है, सबकी शर्ट पे छींटे लगे हैं ये मान ले रहे हैं आप? नहीं, जो मुख्यमंत्री है जमुना किनारे कुटिया में तो रहेगा नहीं,
वो मुख्यमंत्री आवास में रहेगा, उसने उसके रेनोवेशन तो कराने नहीं, वो सारी उम्र के लिए तो मुख्यमंत्री रहेंगे नहीं। और 45 करोड़ के रेनोवेशन में आपको कोई फर्क नहीं दिख रहा, पूरी कंस्ट्रक्शन 30 करोड़ चलिए नहीं, ये जांच का, ये जांच का विषय है। ये तो आपने एलिगेशन लगाया कि उसमें ये लग गया ये लग गया, आपने एक फिल्म बना के लोगों को दिखा दी कि जी इन्होंने ऐसे करा। सुधांशु जी, आप सबके बारे में बात करिए ना, जितने मुख्यमंत्री हैं। सुधांशु जी ठीक है, एक आर्ग्यूमेंट ये भी तो है कि वो मुख्यमंत्री आवास है, कोई निजी घर तो उन्होंने बनाया नहीं है, वो मुख्यमंत्री आवास है। जो भी अगला मुख्यमंत्री होगा, जैसे पीएम आवास में अगर कुछ भी काम होता है तो अगला पीएम वो सदा के लिए होता है, मुख्यमंत्री आवास में उन्होंने ये काम किया है, क्या इस बात में दम नहीं है? कोई निजी घर तो है नहीं उनका। देखिए दो बातें हैं, दिल्ली में जो मुख्यमंत्री के अधिकृत आवास के साथ जो इतना बनाया गया है, उस ढंग का क्या डिजिग्नेटेड मुख्यमंत्री आवास है? जैसे प्रधानमंत्री आवास रहता जो भी, चलिए वो भी मान लिया, हम कब मना कर रहे हैं, पर ये बताइए ये वियतनाम के टाइल्स की जरूरत क्या थी मुख्यमंत्री आवास में? क्या ये भारत के मकराना टाइल्स से काम नहीं चल सकता था? ये 1 करोड़ रुपए के पर्दे की जरूरत क्या थी? ये मतलब नॉर्मल पर्दों से काम नहीं चलता, क्या पर्दे में छुपाना चाहते थे? ये तो जो इतना हाई एंड का पर्दा तो चाहिए था, हमें इस बात की जरूरत है। सुधांशु हम इस बात, और दूसरा और बधाई हो आपको, अब आखिर में आप आ गए, उन्होंने ये किया, इन्होंने ये किया। आप एक बात बताइए, दिल्ली के अंदर या और मैं एक और बात कहूं, जितने भी मकानों में कंस्ट्रक्शन हो रही है, जितने यहीं पे इटालियन मार्बल मिलता है, यहीं वियतनाम का मार्बल मिलता है, और जो सोवत के फ्लोर है उसमें भी इटालियन मार्बल लगा है। वो पूरा कर ले फिर जवाब। जनता उतने का मकान खरीदना उसके लिए ख्वाब की बात है। मैं एक लाइन पूरा कर लूं, देखिए साहब जितने के पर्दे लगे हैं, 1 करोड़ का मकान खरीदने की हैसियत 90% से ऊपर दिल्ली की जनता के पास नहीं है, जितने के पर्दे लगे हुए हैं। इसकी आवश्यकता थी किस मुख्यमंत्री को? मैं पुनः कह रहा हूं, जो दिखाता है कि मैं हाफ टी शर्ट पहनता हूं, ये 10 रुपल्ली वाला पेन लगाता हूं और टोपी पहनता हूं, मुझे चाहिए जन लोकपाल। ऐसी टोपी पहनाई जनाब जनता को, ऐसी टोपी पहनाई, क्या वो टोपी पूरी तरीके से सामने आ गई? और मैं एक और बात कहूंगा जनाब जी, एक सीरियस बात, आम आदमी पार्टी से अलग हटके देखिए, ये देश की जनता के लिए भी एक सबक है कि ये जो अचानक नए नवेले लोग आकर कुछ भी प्रॉमिस करने लगते हैं, तो बहुत सोच समझकर जांचने परखने के बाद निर्णय लेना चाहिए, अन्यथा जो बात अभी आलोक जी ने कही थी, मैं एक बात ईमानदारी से कहना चाहता हूं, पिछले 30-40 वर्षों में आप देखिए, जो लोग आंदोलन के नाम पे आए, राम मंदिर आंदोलन को छोड़ दिया जाए, वो सब लोग बाद में बड़े अजीब टाइप के भ्रष्टाचार में निकले। वीपी सिंह जी के साथ जो पार्टियां आई जनता दल की, लालू प्रसाद यादव जी, मुलायम सिंह जी, उसी से निकले थे, क्या भ्रष्टाचार के कीर्तिमान बनाए, जो राजनीति में शुचिता के नाम पे निकल के आए थे, और ये देखिए ये अन्ना के नाम पे निकल के आए, तो इन्होंने ये किया। इसलिए मैं कह रहा हूं कि ये एक प्रकार का भारत के लोकतंत्र के लिए एक टेस्ट केस भी है कि किस ढंग से एक अलग मुखौटा लगाकर और अंदर क्या हो सकता है, ये जनता के लिए आंखें खोलने वाला है कि सामने क्या है और अंदर क्या हो सकता है। जवाब दीजिए इसका। देखिए आप जो बात कह रहे हैं कि जी पर्दे लगे या ये लगा, आप ये देखें ना, जो आपके एलजी हाउस है वहां पे 15 करोड़ रुपए रेनोवेशन में लगता है, 15 करोड़ रुपए रेनोवेशन में लगता है, और इसकी इसकी जब ये बनता है, पीडब्ल्यूडी काम लेती है, उसकी अप्रूवल भी होती है, सरकार आपकी है, आपने उस समय क्यों नहीं बात करी थी? आप इसके लिए एलिजिबल नहीं है, आप इतना पैसा नहीं लगा रहे, आपने इतने का पर्दा लिया, आपने इतने का वो लिया, मैं तो देखने नहीं गया। ये तो जो फिल्म बना के मीडिया दिखा रहा है वही हम देख रहे हैं जी, इतने करोड़ का पर्दा लग गया, इतने का ये लग गया। लेकिन जो संजय सिंह जी ने अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस करी, उन्होंने पूरा मकान जो जर्जर हालत में था, 80 साल पुराना मकान था, उसकी पूरी कंस्ट्रक्शन हुई, 1 एकड़ के मकान के अंदर पूरा रेनोवेशन का काम हुआ। अगर आप अपने घर का भी काम कराते हैं उसमें भी कई करोड़ रुपए लगते हैं, और 1 एकड़ के मकान में लगते हैं। अब प्रधानमंत्री जी के 90 करोड़ रुपए लगे रेनोवेशन में, उनका ऑलरेडी 500 करोड़ का मकान बन रहा है, जिसका बजट 2-3 गुना बन जाएगा, और उसका अंदाजा है कि वो 1500 करोड़ रुपए में बनेगा, उसके ऊपर तो कोई ऑब्जेक्शन नहीं लेता। मेरा बार बार यही कहना है कि देश के अंदर दो कानून नहीं हो सकते, जितने भी देश के मुख्यमंत्री हैं, जितने भी सेंट्रल मिनिस्टर हैं, जितने भी मेंबर पार्लियामेंट हैं, उन सबकी जांच हो और उसके ऊपर एक रेखा खींची जाए कि यू आर एलिजिबल फॉर दिस अमाउंट। ये तो सरकार में आप हैं, आप इस बात के गुनाहगार हैं, आप इसको आप क्यों नहीं ऐसा कानून बनाते कि आप उसकी एक जो है अमाउंट सेटल कीजिए कि आप यहां पे ये अमाउंट खर्च कर सकते हैं, इसके ऊपर नहीं खर्च कर सकते, इसके ऊपर आप लगाम लगाएंगे ना, सरकार तो आपकी है,
आपकी सरकार है, आप प्रश्न कर रहे हैं, हमें प्रश्न करना चाहिए कि जो 90 करोड़ का मकान बन रहा है, 500 करोड़ का मकान बन रहा है, जो प्लेन खरीदे जा रहे हैं गुजरात के जो मुख्यमंत्री के लिए, या जो शिवराज सिंह चौहान जो उन्होंने भी रेनोवेशन में करोड़ों रुपया लगाया, ये बड़ी लंबी फहरिस्त है सबके सबके अकाउंट्स कंगन। आप इन सारों की ही तरह है, नहीं जिनका सवाल ये नहीं है, जो पीडब्ल्यूडी काम करती है, सवाल ये है जो मुख्यमंत्री का आवास कैसा होना चाहिए। एक साथ मत बोलिए ना, आप भी बोलेगा मैं भी बोलूंगी, जनता कैसे सुन। तो आपने जितने नाम लिए आप इन जैसे ही हैं? नहीं, उन्होंने उन्होंने थोड़ी कहा कि मेरा मकान ऐसा बनाओ। ना बोलिए ना, आपने जितनों के नाम लिए आप उन्हीं के जैसे हैं? नहीं, हम उनके जैसे अलग नहीं है। पार्टी है, अलग पार्टी है, तो लेकिन लेकिन एक मुख्यमंत्री का आवास बन रहा है, जिस प्रकार का आवास बनता है, जिस प्रकार का सबका आवास बनता है, उसी हिसाब से उन्होंने बनाया, उसी हिसाब से उन्होंने बनाया। अरविंद केजरीवाल ने ये थोड़ी कहा कि मेरे यहाँ पे ये लगेगा, ये लगेगा, ये लगेगा। पीडब्ल्यूडी जब कोई कंस्ट्रक्शन करती है, मैंने देखा है कई मेंबर पार्लियामेंट अपने घर में रेनोवेशन करते हैं, उनको सैंपल्स दिखाए जाते हैं कि ये सैंपल है सर, इसमें से आप पसंद कर लीजिए। वो नहीं कहते कि मैं यहाँ से खरीदूंगा, वो प्रिस्क्राइब और प्राइस। दोनों हाथ उठा रहे हैं जल्दी से। मुझे लगता है कि केजरीवाल जी ने सेलेक्ट नहीं किया, ये तो नवाज शरीफ एक दिन घूमते घूमते सिविल लाइन आए थे, वो सारी चीजें सेलेक्ट करके चले गए। सरकार सरकार केंद्र सरकार कर दे, तनखा जब 5-5 बार बढ़ाई थी अपने विधायकों की, वो केंद्र सरकार की अप्रूवल से बढ़ाई थी क्या? सरकार केंद्र की है, आप लोग क्या पकौड़े तलने की मशीन लगा रखी है आप लोगों ने, या मूंगफली का ठेला है केजरीवाल जी का? आपकी सरकार नहीं है क्या? आपकी कोई नैतिक जिम्मेवारी नहीं है क्या? आप लोग कहते हैं पीडब्ल्यूडी ने ऐसा कर दिया, पीडब्ल्यूडी ने, ये पीडब्ल्यूडी क्या बांग्लादेश से आई है? आप ही के अधिकारी हैं उसके अंदर। लोकपाल के ऊपर आपने कहा इतना बड़ा आंदोलन किया, आज लोकपाल होगा तो लोकपाल नजर रखेगा ना, भाग गए आप लोग, मोहल्ला सभा होगी, मोहल्ला ये होगा, मोहल्ला वो होगा, पता नहीं कौन कौन सी कहानियां सुना दी देश को, टोपी क्या टोपा पहना दिया पूरे देश को आरएसएस की मदद से, और आज आप बड़ी बड़ी बातें कर रहे। केंद्र सरकार ऐसा क्यों नहीं कर रही, केंद्र सरकार ऐसा क्यों नहीं कर रही? केंद्र पे हम सवाल उठा रहे, मोदी जी को हम हर सवाल पर उनके पर सवाल उठा रहे, लेकिन केजरीवाल तो दिव्य आत्मा आए थे, वो तो दिव्य आत्मा आए थे। क्या कह रहे हैं? मैं कहा आलोक जी भी बीजेपी के प्रवक्ता हो गए, मैं ये कह रहा हूँ कि अगर अगर सबके बारे में बात कर रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ आप कानून बनाइए ना, आप भारतीय जनता पार्टी सरकार के अंदर है, ये आपका काम है। आप बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो मिसयूज होता है सरकारी फंड का, देश के आम लोगों के टैक्स के पैसे का, ऐसी बहुत सारी चीजें हैं। आप अडानी को सारी चीज सीमेंट दे रहे हैं। आलोक जी एक साल, एक साल, आलोक जी एक साल, आलोक जी, आलोक जी पहले आप गुजरात में कहते थे कि ये बीजेपी की बी टीम है, अब ये तो आप ही पे आरोप लगा रहे हैं कि आप बीजेपी की बी टीम हो गए। देखिए वो आरोप लगाना एक अलग बात है, अंजना जी मैंने जितने केजरीवाल जी कहते हैं ना सब मिले हुए हैं जी। देखिए वो तो केजरीवाल जी किससे मिले हुए हैं तो समय बताएगा, केजरीवाल जी कहीं ऊपर नीचे कहीं और मिले होंगे, मैं मुद्दों की बात कर रहा हूँ। मैंने कहा मोदी जी के तमाम इश्यूज के ऊपर हमने सवाल उठाए, चाहे वो 17,000 करोड़ के हवाई जहाज हो, चाहे 20,000 का सेंट्रल विस्टा हो, चाहे 12 करोड़ की गाड़ी हो, सब पर सवाल। एक सेकंड, आपको टोक रही हूं सर, तस्वीरें आ गई हैं, तस्वीरें आ गई हैं, जल्दी से दिखाते हैं कैसे अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री के सरकारी बंगले के आसपास के फ्लैट्स को बंगले में मिलाने की तैयारी हो रही है। हमारी रिपोर्टर वहां पर पहुंची है, श्रेया की ये रिपोर्ट देखिए, उसके बाद सुधांशु जी आ रही। भारतीय जनता पार्टी ने अरविंद केजरीवाल के खिलाफ ये अटैक किया है कि उन्होंने 45 करोड़ रुपए खर्चे किए हैं अपने ऑफिशियल रेसिडेंस में रेनोवेशन करने के लिए, और अभी एक फ्रेश सेट ऑफ एलिगेशंस में बीजेपी का ये कहना है कि अरविंद केजरीवाल ने अपने सीएम मेगा एक्सपेंशन प्लान के तहत 12 ऐसे सरकारी जो बंगले उनके घर के विसिनिटी में है उनको भी एक एक्सपेंशन प्लान के तहत जोड़ के पार्किंग और सर्वेंट क्वार्टर्स में तब्दील कर रहे हैं, और बीजेपी का ये कहना है कि ये जो 2020 का मेगा एक्सपेंशन प्लान है, जो सीएम मेगा एक्सपेंशन प्लान है, उसको अभी तक डीओएसी यानी कि दिल्ली अर्बन आर्ट्स कमीशन से कोई भी गो अहेड नहीं मिला है, जो कि एक वायलेशन है दिल्ली मास्टर प्लान का। बीजेपी का ये कहना है कि काम शुरू होने के बाद डीयूएसी से परमिशन मांगी गई कि इस जो मास्टर प्लान है इसको अप्रूव कर दिया जाए, लेकिन कोई अप्रूवल इस पूरे कंस्ट्रक्शन वर्क के लिए डीयूएसी की तरफ से नहीं दिया गया। आप देख सकते हैं हमारे कैमरे में कि कैसे यहाँ पे अभी कंस्ट्रक्शन चल रही है। ये 12 ऐसे गवर्नमेंट बंगलोज है,
टाइप 5 गवर्नमेंट बंगलोज जो 45 और 47 राजपुर रोड में लोकेटेड है, ये सीएम आवास से महज 2 मिनट की दूरी पे है। और बीजेपी का ये कहना है कि ये जो गवर्नमेंट बंगलोज है इनको रिलोकेट करवा के यहाँ पे कंस्ट्रक्शन इसलिए किया जा रहा है ताकि ये पार्किंग लॉट और सर्विंग क्वार्टर्स में तब्दील किया जाए, जो कि केजरीवाल मेगा एक्सपेंशन प्लान के अंदर है। 2020 का ये प्रपोजल पीडब्ल्यूडी की तरफ से दिया गया था, लेकिन जो DUAC है, दिल्ली अर्बन आर्ट्स कमीशन, उन्होंने इस प्रपोजल को मानने के लिए राजी नहीं हुए। और इसके बावजूद भी जो ये काम चल रहा है वो दिल्ली मास्टर प्लान के तहत एक वायलेशन है। तो ये बीजेपी की तरफ से दूसरा बड़ा सवाल है। और आप देख सकते हैं कि हमारे कैमरे में हम दिखा रहे हैं आपको कि कैसे यहाँ पे कंस्ट्रक्शन अभी चल रहा है। ये ऑफिशियल गवर्नमेंट बंगलोज है जहाँ पे अभी काम चल रहा है, और बीजेपी का कहना है कि ये सीएम मेगा एक्सपेंशन प्लान के तहत जारी है। वीडियो जर्नलिस्ट अजय ठाकुर के साथ श्रेय आचार्य जी आज तक। तो ये श्रेया जो हिस्सा आपको दिखा रही थी वो दरअसल मुख्यमंत्री का आवास नहीं है। मुख्यमंत्री आवास के आसपास यह आरोप है कि जो 20 घर वहां पर हैं उनमें से 4 को रिकंस्ट्रक्ट करके एक बड़ा कैंपस बनाया जा रहा है और उसको सीएम आवास के कैंपस में ही शामिल किया जाएगा। ये टाइप 5 फ्लैट्स बताए जा रहे हैं जो सरकारी घर है, उनमें से 4 फ्लैट्स में कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। मुझे तो लग रहा है सेठी साहब आप भी हैरान हो रहे हैं। नहीं, मैं हैरान नहीं हो रहा। ये एक एलिगेशन है, इसका जवाब तो दिल्ली सरकार का जो आधिकारिक प्रवक्ता या उनके जो भी हैं वो देंगे कि वो किस वजह से, जिस प्रकार से ये 80 साल पुरानी कंस्ट्रक्शन है, हो सकता है ये भी बहुत पुराने इस कंडीशन के फ्लैट्स हों कि इनको मरम्मत की आवश्यकता हो, वहां पे उनका क्या प्लान है। आप अपनी तरफ से ही कोई भी एलिगेशन लगा दें वो बात ठीक नहीं है। आप उनसे पूछ। सुधांशु जी, अब ये कहां से आप लोगों को समझ में आया कि सीएम आवास का हिस्सा बना रहे हैं? जब आप ये जो जानकारी दी जा रही है सीएम आवास का हिस्सा बन रही है, कहां से आया? देखिए, मैं एक बात कहूं, गवर्नर अभी आपने अंजना जी आपने देखा कि परमिंदर सेठी जी ने अब जब देखा कि हालात ज्यादा ही बिगड़ गए हैं, रायता ज्यादा ही फैल गया है, तो उन्होंने एक बचाव का रास्ता दिया कि कोई सरकार का आधिकारिक प्रवक्ता बता सकता है। मुझे याद आता है कि पुराने जमाने में एक किस्सा होता था कि नवाब साहब लोग जब बड़ा बड़ा फेंक देते थे तो अपने साथ एक असिस्टेंट रखते थे जिसको कहते थे रफुगर, यानी वो उनकी बात को पैचअप करता था। जब जरूरत से ज्यादा बड़ी बात हो जाती थी तो रफुगर कहता था, हुजूर मेरा काम रफू करना है, पैबंद लगाना नहीं। तो आज शायद सेठी जी की वो स्थिति हो गई कि अब रफू करने लायक नहीं, पैबंद का मामला आ गया। ना इसका कोई प्रमाण तो नहीं आपके पास की, परंतु मैं अब आपसे बात कहता हूं। आपने तमाम मुख्यमंत्रियों की बात कही, सेठी साहब इसमें से एक मुख्यमंत्री बताइए जिसने कहा हो कि मैं मुख्यमंत्री आवास मुझे नहीं चाहिए, मैं 2 कमरे के फ्लैट में रहूंगा। बताइए किसी का नाम, किसी ने ऐसा नहीं कहा। चलिए, मुख्यमंत्री आवास जर्जर था। तो अब मैं पूछना चाहता हूं कि इस समय में आपने मुख्यमंत्री आवास अच्छा बनाया, कोई बात नहीं, ठीक है साहब, मगर बताइए दिल्ली में कोई एक अस्पताल बताइए जो आपके जमाने में बना हो। लगभग 10 साल से आपकी सरकार है, 2013 में आप सत्ता में आ गए, एक 6 महीने का राष्ट्रपति शासन छोड़ देते। अब ये बताइए, एक कोई बताइए यूनिवर्सिटी या कॉलेज बनाया हो, वो तो नहीं बना। अच्छा, एक कोई ऐतिहासिक काम बताइए जो दूसरी सरकारों ने ना किया हो, आम आदमी पार्टी ने किया, सिवाय इसके कि एक पौवे के बदले में एक पौवा फ्री दिया। ये भारत की इकलौती सरकार है, इसने कहा दारू की एक बोतल के साथ एक बोतल फ्री वाली स्कीम चलाई जो किसी और, वो भी शिक्षा मंत्री के द्वारा। तो ये तो आपकी एक अलग स्थिति रही है, मैं मानता हूं, परंतु इसके अलावा आप कोई बात बताइए जो आपकी सरकार ने इस प्रकार से करके दिखाया हो, तो आप कहें कि साहब हाँ, हम तो बिल्कुल एक अलग राजनीति करने वाले थे तो हमने अलग राजनीति करके दिखाया। तो अब आप बता दीजिए कौन मुख्यमंत्री, एक साथ जवाब दीजिएगा, आलोक जी भी बोलिए, फिर जो आप तरह तरह के नाम गिना रहे थे। और देखिए, मुझे लगता है कि मेरे पास वो लिस्ट है जितने लोग भ्रष्टाचारी थे ना इस देश के अंदर 2014 से पहले, जब केजरीवाल जी लिस्ट लेके बैठते थे, वो लिस्ट मेरे हाथ में है। आज सबसे ज्यादा भ्रष्टाचारी अगर कोई निकला तो वो केजरीवाल जी निकले, जिनका पूरा का पूरा मंत्रिमंडल भ्रष्टाचार के आरोप में। और ये जो लिस्ट है ना, इसमें तमाम लोग आज आम आदमी पार्टी के, केंद्र से लेकर और पंजाब से लेकर और दिल्ली से लेकर सारे के सारे भ्रष्टाचारी लोग जो हैं वहां पर हैं। तो दिल्ली की जनता ने आम आदमी पार्टी के नेताओं के खिलाफ एजेंसियां सही काम कर रही है ना? देखिए, एजेंसी की बात, अगर एजेंसी गलत करेगी तो सवाल खड़े किए जाएंगे, अंजना जी जरूर खड़े किए जाएंगे। चाहे वो मनीष सिसोदिया जी को अगर 1 साल के बाद बरी किया जाएगा तो हम जरूर सवाल खड़े करेंगे, लेकिन
अभी तो कटघरे में, अभी तो आरोप है, सेठी जी कह रहे हैं आरोप है। अरे पूरे देश को भ्रष्टाचारी बताने वाला आदमी, उनका प्रवक्ता आज कहता है कि तो आरोप है, अभी मतलब सिद्ध हो जाएंगे तब बात करेंगे। आप पूरे देश को आपने लिस्टें ले लेके एक नंबर पे ये, दो नंबर पे ये, चार नंबर पे ये, पांच नंबर पे ये, भूल गए आप लोग, और फिर पूरे देश से माफी मांगते घूमे। अरे 45 करोड़ का घर, और आपका नैतिकता के जित पैमाने थे सारे ध्वस्त हो गए। पूरी देश की जनता आपके ऊपर थू थू कर रही है कि आपने किस तरह से देश की जनता को गुमराह किया। मैं फिर कह रहा हूं, वो अन्ना हजारे पिट्ठू जो भाजपा का था, वो सबसे ज्यादा दोषी है आज की तारीख में, जिसने पूरी तरह से केजरीवाल जैसे शख्स को पैदा किया। कहां है लोकपाल बिल? 49 दिन में सरकार क्यों छोड़कर भागे थे कि लोकपाल बिल होना चाहिए, अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए। आज सब कुछ केंद्र सरकार करेगी। आप लोगों का नैतिक पतन हुआ, देश को ठगा, दिल्ली देश की राजधानी को ठगा। जाके देखिए सड़कों का क्या हाल है। कांग्रेस पार्टी तो खुद ही कंफ्यूज है, एक इशू के ऊपर वो बीजेपी के साथ होती है, दूसरे इशू के ऊपर आम आदमी के साथ होती है, तीसरे उन्हें खुद पता ही नहीं हमने स्टैंड क्या लेना है। आपको देश की जनता ने, दिल्ली की जनता ने, पंजाब की जनता ने नकार दिया। आपको आत्ममंथन करने की आवश्यकता है। जो दिल्ली सरकार का, आम आदमी पार्टी का जो शिक्षा मॉडल है, देश में नहीं विदेश में पूरे संसार के अंदर उसकी सराहना हो रही है। उसके जो काम उन्होंने, बिजली पानी फ्री देने का काम करा, करप्शन को खत्म करने का काम करा, और भारतीय जनता पार्टी को बताओ, एमसीडी के अंदर जो आपने कूड़े के पहाड़ खड़े कर दिए, जो आपके काउंसलर किस कोई अपने घर के अंदर मकान बनाने जाता है, काउंसलर पैसे लेने पहुंच जाता है, कोई रेडी पटरी लगाता है, पैसे लेने पहुंच जाते हैं, करप्शन की इंतहा। सेठी जी ने कहा दिल्ली की जनता ने, मगर आम आदमी पार्टी के अंदर पूरी क्लैरिटी है। आम आदमी पार्टी के अंदर एकदम क्लैरिटी है कि सत्ता के लिए कुछ भी करना है। इतनी क्लैरिटी थी कि इन्होंने कहा था कसम खा के कर समर्थन नहीं लेंगे, तत्काल कांग्रेस से समर्थन लिया। और जब सत्ता में नहीं आए थे, एक लिस्ट थी उनमें जिन जिन नेताओं को भ्रष्ट साबित किया, अभी मनीष सिसोदिया जी के पक्ष में जिन्होंने साइन किए, दोनों लिस्टों की समानता देख लीजिए, उसमें राजद भी है, लालू यादव जी की पार्टी भी है, मुलायम सिंह जी की पार्टी भी है, गजब है साहब। ऐसी क्लैरिटी ऑफ थॉट किसी को नहीं हो सकती कि जिनको हम भ्रष्ट कह कह के सत्ता में आएंगे, उसके बाद अपने भ्रष्टाचार को बचाने में उन्हीं को लाएंगे। इससे ज्यादा क्लैरिटी किसी को नहीं हो सकती कि जेल में जाकर अपने को भगत सिंह का अवतार घोषित करेंगे। इससे ज्यादा क्लैरिटी किसी को नहीं हो सकती दारू के बदले दारू का दरिया दिल्ली में बहाने के बाद राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की समाधि पे जाकर नौटंकी करेंगे, मगर 2 अक्टूबर को उनके जन्मदिन के दिन नहीं जाएंगे। ऐसी क्लैरिटी ऑफ थॉट जो आपने दी है जनाब, ये किसी में नहीं हो सकती जिन्होंने अपने गुरु। आप सभी का बहुत धन्यवाद हमारे साथ इस बहस में जुड़ने के लिए। देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहिए आज तक।